ब्याह करके अपनी बीवी को छोड़ दी, वो आज देश की प्रधानमंत्री बने, आज अपना बीवी को छोड़कर प्रधानमंत्री बना हुआ है, वो बेटी को क्या बचाएगा? वो भी तो किसी की बेटी थी, है, आज उसको नहीं बचा सका। प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई नहीं बोल सकता है। और बीजेपी के बाप का हिम्मत नहीं है जो राहुल गांधी को अंदर घुसा सके, क्योंकि एनसीपी नेता मोहम्मद फैसल को मर्डर केस के इल्जाम में 10 साल की सजा सुनाया गया था और उनका सदस्यता रद्द कर दी गई थी, तो उन्होंने केरला हाई कोर्ट में स्टे लिया। स्टे लेने के बाद फिर उनका सदस्यता कायम हो गया। वो संसद थे लक्षद्वीप के, जब उनका हो सकता है तो इनका क्यों नहीं? प्लस चोर को चोर कहना पाप नहीं। आज मैं कुछ चोरों का लिस्ट बता रहा हूँ, उनके ही बयान से था, विजय माल्या, मोहुल चौकसी, उसके बाद नीरव मोदी, इस तरह से लगभग 27 से 28 लोग लगभग 10 खरब रुपए लेकर गायब हो गए। उनमें से एक भी मुसलमान नहीं, उनमें से एक भी खालिस्तानी नहीं। रुपए के बारे में अगर कोई बोले तो क्या गलत है? क्यों नहीं आवाज उठेगा? समझ रहे हो? चांद का कर्ज माफ हुआ है? नहीं। बेरोजगारी में कोई बोले तो बोली बंद, कोई नौकरी के बारे में बोले उसमें बोली बंद। जवाब क्या देंगे मोदी जी? सिर्फ हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद, यही इनका एक एजेंडा है, इस एजेंडे के तहत काम होता है। आज आप देखिए आंख बंद करके जब किसी केस में ये लोग फंसते हैं तो कहीं विश्व हिंदू परिषद, कहीं बजरंग दल, कहीं कोई दल निकल के मुसलमानों के खिलाफ उठपटंगा करता है, उनके खिलाफ क्या सजा हुआ? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आज जिस चीज के लिए सजा दे रहे हैं मोदी सर नेम वाले घपला में क्यों लिप्त है, यही उन्होंने कहा था ना, सिर्फ ये। इसके लिए कभी भी मानहानि का मुकदमा में फाइन होता है, इतना जल्दी सजा नहीं होता है। सजा कहां से हुआ? उनके घर से। अभी तो 30 दिन के लिए मिला है किसी भी कोर्ट में जाने से, उसके बाद ये इंक्वायरी होगा। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, जो दंगाई निपुर शर्मा के बयान को मोहम्मद जुबेर ने जो ये किया था उसको सजा हो गया, निपुर शर्मा के क्यों नहीं? एक ठाकुराइन है, ठाकुर बनती है, छुरी चाकू तेज करा लो, उनके खिलाफ क्या एक्शन हुआ? 0/0। एक है वो हमेशा गोली मारो सालों को, नाम नहीं बोलेंगे, वो उनको क्या नहीं हुआ कुछ? किसानों को रौंद दिया गया गाड़ी से, उनके खिलाफ क्या एक्शन हुआ? माने बीजेपी में रहकर कुछ भी कर ले, खून कर ले, मर्डर कर ले, डकैती कर ले, लेकिन वो वॉशिंग मशीन से क्लीन हो गया। जिस पार्टी का सदस्य घुस जाता है बीजेपी में पाप करके, सब लीड एंड क्लीन है। क्यों? क्योंकि अगर इनका इतिहास देखा जाए तो ये भी दागी है। आप गुजरात दंगा का मास्टरमाइंड कौन था? नरेंद्र मोदी। मुख्यमंत्री कौन था? नरेंद्र मोदी। खून से हाथ किसका रंगा है? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी क्या है? ये कहते ना बेटी बचाओ, मैं बोलता हूँ जो थे पढ़े लिखे वो सब संतरी बने। अपराधी माफिया वो मंत्री बने, जो बीबी को छोड़। क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। नहीं रुक, कहाँ से आते? और जो हमारा मंत्री है रक्षा मंत्री से भी बड़ा पोस्ट वाले, मैं नहीं बोलूंगा तड़ी पार को, उसके खिलाफ क्या एक्शन हुआ? क्यों? जोगी जो मड उजाड़ रहे हैं, आज यूपी हिंदुस्तान में है या हिंदुस्तान से बाहर, बताइए आप? आप प्रेस वाले हैं, अगर हिंदुस्तान में है तो किस किताब में कौन कोड में लिखा है बुलडोजर चला दो? खाली मुसलमानों के घर में बुलडोजर चलेगा और बाकी का? ये पाप कब तक? दौरे हयात आएगी कातिल कजा के बाद, है इब्तदा हमारी तेरी इंतहा के बाद। आज ये लोग जो कुछ कर रहे हैं, आज एक तौर पर देखिए बीजेपी का मतलब क्या है, बी फोर भ्रष्टाचारी बलात्कारी, ज्यादातर बीजेपी में पाइएगा, जे
फॉर झूठा जुमलाबाज खुद प्रधानमंत्री, पी फॉर पार्टी। तो बलात्कारी भ्रष्टाचारी जुमलाबाज झूठा पार्टी का नाम है बीजेपी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आज बर्बाद गुलिस्तान को बस एक ही उल्लू काफी था, मोदी। हिंदुस्तान को बर्बाद करने के लिए एक मोदी काफी था। जब हर साख पे उल्लू बैठा हो तो अंजामे गुलिस्ता क्या होगा। आज हिंदुस्तान को इस तरीके से नफरत की आग में झोंक दिया है 2014 से लेकर आज तक। जात पात दंगा फसाद के सवाए कहीं पर बताइए जहां भाईचारगी की बात हो। है कहीं पर? नहीं ना है। क्यों? प्रधानमंत्री देश का है, किसी हिंदू का नहीं है। अगर देश का बात होता है तो उनको हिंदुत्व को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि देश हित सबसे बड़ा हित है। और आज अफसोस शर्म सिर्फ एक बात का है, अफसोस शर्म सिर्फ एक बात का है। आज जो शपथ लेते हैं, सीबीआई बोलिए, ईडी बोलिए, या कोई भी सरकारी तंत्र लोग जो शपथ लेते हैं, वो ये कहते हैं देश और जनता का रक्षा करेंगे। आज 20,00,000 करोड़ की बात होती है तो चोर नहीं दुनिया के तरफ दिखाते हैं। चोर कौन है, उसके बारे में क्यों नहीं बोलते हैं मोदी? क्यों सोई है सीबीआई? क्या देश इससे बड़ा प्रधानमंत्री होता है? आज देश जिस कगार से जा रहा है, ये आने वाला दिन और भी ज्यादा खराब स्थिति में आएगा, जब तक अगर बीजेपी को नहीं हटाया गया। और आज 2024 का जो सपना देख रहे हैं बीजेपी, इनका खेल अब खत्म होने जा रहा है। अब जनता जाग रहा है। अब विरोधी अगर एक हो जाए, आज भी विरोधी सिर्फ जनता बन जाए, इसको उखाड़ के फेंक दे, तो बीजेपी खत्म कभी नहीं आएगी। लेकिन बीजेपी पहले ही बड़ा टुकड़ा टुकड़ा गैंग, टुकड़ा टुकड़ा गैंग कौन है? टीएमसी अलग, आम आदमी पार्टी अलग, एनसीपी अलग, सब अलग अलग। लेकिन राहुल गांधी के मुद्दे में सब एकजुट हो रहा है। एकजुट इनके खतरे की घंटी का निशानी है। ये एक दिन इसको बहुत बुरी तरह से भुगतना पड़ेगा। पाप अपने बाप को नहीं छोड़ता है, जितना घोटाला घपला कर ले, सबके ऊपर एक ईश्वर, एक अल्लाह, एक खुदा है, उसके मार में आवाज नहीं है। और ये कहरे इलाही टूट पड़ा है बीजेपी आरएसएस वालों पर। विश्व हिंदू परिषद एक जगह लोग नमाज पढ़ते थे, नमाज पढ़ते तो वहां जाके बजरंग दल वाले विश्व हिंदू परिषद लोग चिल्ला चिल्ली करके भटक आए और बोले क्या, तो 5,00,000 का फाइन लग गया। फिर दूसरा दिन कमिश्नर साहब बोलते हैं वो फेक न्यूज था। तो असली न्यूज क्या है भाई, जो टीवी में दिखाया फेक न्यूज? फेक न्यूज वाले का अरेस्ट क्यों नहीं किया गया? फेक न्यूज वाले के खिलाफ सजा क्यों नहीं होती है? आज जितना फेक न्यूज है सब पॉकेट में है मोदी के। आज जो मोदी बोलेंगे वही होगा। आज मोदी को छोड़ के क्या कुछ हो रहा है, एक बात बताइए। कि अभी भी वक्त है जनता आवाम सब पार्टी एक होकर इन आतंकवादी ग्रुपों को, यह आतंकवादी ग्रुप है, इंसानियत का पाठ नहीं पढ़ा है। आरएसएस हो, शिवसेना आरएसएस हो, बजरंग दल हो, विश्व हिंदू परिषद हो, बीजेपी हो, सब के सब नंगे हैं सेकुलरिज्म के नाम पर। ये लोग सिर्फ हिंदुत्व का ताश खेलते हैं और इसके सिवा कुछ नहीं। जय हिंद, वंदे मातरम, बद्रुद्दोज अंसारी।